डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल डू मैथ। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं इसके बारे में स्टडी किया। आज के लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएबल फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे और उसके डेरिवेटिव की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी इसके बारे में भी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं डिफरेंशिएबल फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। ए रियल वैल्यूड फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल फंक्शन इफ इट इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट्स ऑफ इट्स डोमेन। मतलब कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होगा जब अपने डोमेन के सभी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो। द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज डिनोटेड बाई दिस टू सिंबल एंड दिस इज गिवन बाई लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच एंड दिस इज ऑल्सो रिटन एज डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू दिस लिमिट। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ ए गिवन फंक्शन यूजिंग द एबव रिजल्ट। मतलब इस लिमिट का यूज करके अगर हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं तो देन दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड दिस फार्मूला इज नोन एज फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। मतलब कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन गिवन दैट है तो इस फार्मूले का यूज करके, इस रिजल्ट का यूज करके आप उसके डेरिवेटिव की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इससे कुछ फंक्शन स्टैंडर्ड फंक्शन हैं जिसके डेरिवेटिव की वैल्यू फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से कैलकुलेट की गई है, जिसमें सबसे पहला रिजल्ट यहाँ पर है डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एन। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसका जो डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव होगा एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। दूसरा फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से इसको कैलकुलेट किया गया है। तीसरा जो रिजल्ट हम लोगों के पास है ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव होगा। इन सब रिजल्ट को आप याद रखेंगे ए टू द पावर एक्स लॉग ए एंड लॉग एक्स का डेरिवेटिव होगा दिस इज वन बाई एक्स। हियर द बेस ऑफ दिस लॉग इज ई। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है, साइन एक्स के डेरिवेटिव की वैल्यू होती है कॉस एक्स और कॉस एक्स की डेरिवेटिव की वैल्यू आप याद रखेंगे माइनस साइन एक्स। टेन एक्स के डेरिवेटिव की वैल्यू होगी सेक स्क्वायर एक्स एंड कॉट एक्स का हो जाता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स और उसके बाद है सेक एक्स का जो डेरिवेटिव की वैल्यू है दिस इज सेक एक्स इंटू टेन एक्स और कोसेक एक्स के डेरिवेटिव की वैल्यू होती है दिस इज माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये कुछ फंक्शन गिवन दैट है, इन जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है और हम इन सब के डेरिवेटिव की वैल्यू ये सब है जिसे आप याद रखेंगे क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए आसानी होगी। अब आते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज जीरो। मतलब अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव की वैल्यू होती है जीरो। फॉर एग्जांपल डी अपॉन डी एक्स ऑफ टू, टू इज ए कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा जीरो। और नेक्स्ट जो पॉइंट हमें समझना है एफ ऑफ एक्स बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड लेट सी बी ए फिक्स्ड रियल नंबर देन सी इंटू एफ ऑफ एक्स इज आल्सो डिफरेंशिएबल एंड द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस सी यहाँ डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है, इसकी वैल्यू हो जाएगी सी इंटू डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं हमें फाइंड करना है डी अपॉन डी एक्स ऑफ थ्री साइन एक्स, थ्री साइन एक्स यहाँ पर कांस्टेंट बाहर आ जाएगा थ्री और डिफरेंशिएशन केवल होगा साइन एक्स का। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अभी हम लोगों ने देखा कॉस एक्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी डेरिवेटिव ऑफ थ्री साइन एक्स की वैल्यू हो जाएगी थ्री कॉस एक्स। नाउ अगर हमारे पास दो फंक्शन गिवन डेट हैं तो उनके सम या डिफरेंस के डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी। इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर डिफरेंशिएबल फंक्शन देन एफ प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इज आल्सो डिफरेंशिएबल एंड द वैल्यू ऑफ डिफरेंशिएबल इज दिस। मतलब ये डी अपॉन डी जो डेरिवेटिव है ये दोनों फंक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पर ये
एडिशन के लिए भी ट्रू है और सब्ट्रैक्शन के लिए भी। अगर हमारे पास कैलकुलेट करना है डेरिवेटिव डी अपान डी एक्स यक्स की पावर 3 इंटू साइन यक्स, अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा डी अपान डी एक्स ऑफ यक्स क्यूब प्लस ये हो जाएगा डी अपान डी एक्स साइन यक्स, मतलब 3 यक्स क्यूब का जो डिफरेंशिएशन हो जाता है ये हो जाएगा 3 एक्स, इसकी एक पावर कम हो जाएगी 3 एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है इसकी वैल्यू हो जाती है कॉस एक्स, तो इसकी वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी इस रूल से 3 एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स। अब हम आते हैं कुछ एग्जांपल, अब तक जितने भी रिजल्ट पढ़े हैं या पॉइंट्स पढ़े हैं उनका एप्लीकेशन। यहाँ पर कहा जा रहा है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज अ फंक्शन इज गिवन दैट, अब इसका डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर, तो ये पहला डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर का, फिर हो जाएगा 4 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा एक्स टू द पावर माइनस 2, माइनस यहाँ है तो ये माइनस होगा, कांस्टेंट बाहर होगा, दिस इज 2/3 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स, ये हो जाएगा 6 बाहर हो जाएगा, ई इज ए कांस्टेंट। अब इसकी वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा, तो बहुत सिंपल सा है रिजल्ट जो अप्लाई हुआ है, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस 4, यहाँ पर ये हो जाता है माइनस 2 एंड x टू द पावर माइनस 2 माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 2/3 sec x का डिफरेंशिएशन आपको पता है दिस इज सॉरी tan x का डिफरेंशिएशन होता है दिस इज sec स्क्वायर x, और ये देखिए e इज ए कांस्टेंट, e इज नोन एज इरेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर दिस इज ए कांस्टेंट, और इसके डिफरेंस डेरिवेटिव की वैल्यू होती है 0। तो फाइनली जो हमें आंसर मिल जाएगा ये हो जाएगा 2x माइनस 8 एक्स टू द पावर माइनस 3, ये हो जाएगा माइनस 2/3 sec स्क्वायर एक्स, ये इस एग्जाम्पल का हो जाएगा आंसर। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम जो इम्पोर्टेंट है और ये बार बार पूछी गई है सब प्रॉब्लम्स, आते हैं इसके बारे में स्टडी करते हैं। यहाँ पर गिवन दैट है कि y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x अपान 1 प्लस कॉस 2x। जब इस टाइप की प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे। तो कॉस 2x का फार्मूला हम लोग जानते हैं, एक होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 और दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अगर हम इस कॉस एक्स के प्लेस पर ये साइन वाला फार्मूला पुट कर देते हैं तो यहाँ से देखिए 1 और 1 ये वैल्यू, इसकी वैल्यू देखिए यहाँ से क्या मिल जाती है 1, यहाँ से इन दोनों रिजल्ट को अप्लाई करिए, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x, और इस वाले रिजल्ट को जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस 2x, तो 1 माइनस कॉस 2x इसकी वैल्यू है 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू पुट हो गई, और 1 प्लस कॉस 2x इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 से कैंसिल तो ये हो जाएगा एंड साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये वैल्यू मिल जाएगी हम लोगों को सिंपल, इसकी वैल्यू हो जाएगी दिस इज इक्वल टू टेन एक्स, और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है दिस इज sec स्क्वायर एक्स, तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन बहुत ही आसान है और इसकी वैल्यू हो जाएगी sec स्क्वायर एक्स। और इसी प्रकार से ये भी प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही सिंपल है, देखिए y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3, हम जानते हैं दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन, इसे लिमिट के प्रॉब्लम में हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म में इसका रिजल्ट बताया गया है, तो दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, तो हमें मिल जाएगा वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा डी वाई अपान डी एक्स, इसकी वैल्यू ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स एंड दिस विल बिकम्स टू वाई, मतलब हमें यहाँ से प्रूफ हो जाएगा डी अपान डी एक्स ऑफ दिस सीरीज एंड दिस सीरीज की वैल्यू ई टू द पावर एक्स और इसकी वैल्यू खुद यही होगी दिस इज वाई, वाई मतलब ई टू द पावर एक्स। नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट रूल, अगर दो डिफरेंशिएबल फंक्शन हैं तो उनके प्रोडक्ट के डिफरेंशिएबल
कि डिफरेंस डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर है इफ़ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शन देन एफ एक्स इंटू जी एक्स इज आल्सो डिफरेंशिएबल एंड द वैल्यू ऑफ दिस डिफरेंशिएबल फंक्शन इज इक्वल टू दिस डी अपान डी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स दिस इज इक्वल टू। सबसे पहले हम फर्स्ट फंक्शन को रख देते हैं इंटू सेकेंड फंक्शन का जो है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर इंटू सेकेंड फंक्शन को रख देंगे फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएबल। ये प्रोडक्ट रूल है और इस रूल को लेबनीज रूल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर इसे याद कैसे आप रख सकते हैं, याद रखने के लिए बहुत ही आसान सा यहाँ पर गिवन दैट है। यहाँ पे कहा जा रहा है डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन मतलब कोई भी फंक्शन को रख दीजिए क्योंकि प्लस है, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करिए, फिर दूसरे फंक्शन को रख दीजिए और फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। अब इसको आते हैं समझते हैं कि एग्जांपल से, जिसे आसानी से आपको समझ में आ जाएगा तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कहा जा रहा है इस दो फंक्शन का आप डिफरेंशिएट करिए। तो सबसे पहले पॉइंट उठाते हैं, सबसे पहले कहेंगे लेट y इज इक्वल टू यक्स ई टू दी पावर यक्स। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, मतलब दो फंक्शन, एक फंक्शन यक्स है और दूसरा फंक्शन है ई टू दी पावर यक्स। तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू डी वाई अपान डी एक्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी फर्स्ट फंक्शन रख दीजिए, दूसरे का डिफरेंशिएशन डी अपान डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर यक्स प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा e टू दी पावर x दूसरे फंक्शन को रख करके पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी एक्स अपान डी एक्स। अब इसकी वैल्यू हमें देखिए मिल जाएगी दिस इज x, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन अभी अभी हम लोगों ने देखा, इसकी वैल्यू होती है e की पावर x प्लस e टू दी पावर x, x का डिफरेंशिएशन 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी दिस इज x प्लस 1 e टू दी पावर x, दिस इज द आंसर। सिमिलरली आप दूसरे पार्ट को सॉल्व करेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नाउ अब हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल मतलब दो डिफरेंशिएबल फंक्शन का प्रोडक्ट के डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, अगर दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है कोशियंट मतलब उनको डिवाइड किया जाए तब उनके डिफरेंशिएबल की डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, अब हम लोग उसे क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। आते हैं यहाँ पर कहा जा रहा है डेरिवेटिव ऑफ कोशियंट ऑफ टू फंक्शंस, यहाँ पर एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड जी ऑफ एक्स हियर नॉट इज इक्वल टू जीरो, तो एफ एक्स अपान जी एक्स इज आल्सो डिफरेंशिएबल और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसे ये वैल्यू है। इसे याद कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आप रखेंगे दिस इज डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को यहाँ पर रख देंगे इनटू न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन होगा और वहाँ प्लस होता है तो यहाँ पर बीच में होगा माइनस, इस बार क्या रहेंगे डिफरेंशिएशन किसका होगा डिनोमिनेटर का और न्यूमिनेटर को रख देंगे और डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का है होल स्क्वायर, इसको आप ऐसे याद रख लेंगे। नाउ इसे आप लैंग्वेज में भी देख सकते हैं जो अभी अभी हम लोगों ने बताया द डेरिवेटिव ऑफ कोशियंट ऑफ टू फंक्शंस डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अब इस रिजल्ट को एक एग्जांपल से समझेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ एग्जांपल हम लेते हैं, पहला कहा जा रहा है डिफरेंशिएट दिस, तो पहले पार्ट में गिवन दैट है, इसे हम लोग सपोज कर लेते हैं y, y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x अपान x, इसकी वैल्यू हो जाएगी डी वाई अपान डी एक्स। सबसे पहले यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है ये x है तो x को रख दीजिए और डिफरेंशिएट करिए d अपान डी एक्स ई टू दी पावर x, बीच में हो जाएगा माइनस। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रख देंगे न्यूमिनेटर को रख देंगे e टू दी पावर x इंटू डिफरेंशिएट करेंगे d अपान डी एक्स इंटू x और ये वैल्यू हो जाए इंटू हो जाए इज इक्वल टू सॉरी डिवाइडेड बाई हो जाएगा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो e टू दी पावर x का जो डिफरेंशिएशन होगा इसकी वैल्यू हो जाएगी x e की पावर x माइनस, इसकी वैल्यू हो जाती है 1 तो हो जाएगा e टू दी पावर x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। आप इसे जब सॉल्व कर देंगे तो x हो जाएगा e टू दी सॉरी यहाँ से e टू दी पावर x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 अपान x स्क्वायर। तो ये न्यूमिनेटर अपान डिनोमिनेटर मतलब
कोशियंट फॉर्म में अगर दो फंक्शन गिवन दैट है एफ एक्स अपान जी एक्स, तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सिमिलरली आप दूसरे फंक्शन को भी हम डायरेक्ट अब सॉल्व कर दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए इसको वाई आप लेट कर लेंगे, दिस इज वाई इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हो जाएगी डी वाई अपान डी एक्स। सबसे पहले इसको रख दीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव इन टू इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन देखिए 2x है तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा 2 माइनस। अब इस बार हम लोग इसको रख देंगे 2x प्लस 3 को रख देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे x स्क्वायर माइनस 5 तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर, मतलब डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वही इसका हो जाएगा आंसर, और थर्ड पार्ट को आप खुद से सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं चेन रूल, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से प्रॉब्लम आते हैं। चेन रूल मतलब डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन के बारे में एक वीडियो बनाया गया है जो आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, वहाँ पर बताया गया है कि व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। यहाँ पर कहा जा रहा है इफ़ यू एक्स एंड वी एक्स आर डिफरेंशिएबल फंक्शन देन यू कंपोजिशन वी इज आल्सो डिफरेंशिएबल। तो कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं यू वी ऑफ एक्स। अब इसके डिफरेंशिएबल की वैल्यू देखिए क्या है, सबसे पहले आप u का डिफरेंशिएशन करेंगे और v ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में इनटू, और फिर उसके बाद हो जाएगा दिस इज v ऑफ एक्स। इसे हम लोग समझते हैं एग्जांपल से, तो बहुत आसानी से हम लोग इसे समझ सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है दिस इज कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, y इज इक्वल टू लाग ऑफ साइन x, मतलब यहाँ पर एक लाग फंक्शन है और दूसरा साइन x। लाग और साइन फंक्शन को कंपोजिट करके बनाया गया है लाग ऑफ साइन x। सबसे पहले हमें इसको आसानी से एक दो बार समझ लेना, बहुत आसानी से ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है डी वाई अपान डी एक्स। इसकी देखिए वैल्यू सबसे पहले यहाँ पर आउटर फंक्शन कौन है लॉग, लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको वैसे का ही रहने देंगे। तो लॉग का डिफरेंशिएशन होता है वन अपान साइन यक्स, ये यहाँ पर यक्स इसको आप ट्रीट करेंगे, इसको ट्रीट करेंगे यक्स की तरफ, ये हो जाएगा यक्स। तो लॉग का हो जाएगा वन अपान साइन यक्स इन टू डी अपान डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए लॉग का डिफरेंशिएशन हो गया, अब बचा किसका है साइन एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा डी अपान डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी वन अपान साइन एक्स इंटू साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो इसकी वैल्यू हो जाती है कॉट एक्स। और भी कुछ प्रॉब्लम है उन्हें सॉल्व करते हैं जो कंपोजिट फंक्शन पर बेस्ड हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर देखिए पहला फंक्शन है e टू दी पावर x, इसका तो डिफरेंशिएशन बहुत ही आसान है, e टू दी पावर माइनस x है, तो सबसे पहले e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x माइनस x हो जाएगा, फिर माइनस का होगा दिस इज इक्वल टू माइनस, तो हो जाएगा माइनस e टू दी पावर माइनस x। सेकेंड पार्ट, अब यहाँ पर हम लोग डिफरेंशिएट करना, फिर देखिए साइन इसे आप लेट करेंगे y इज इक्वल टू साइन ऑफ लॉग x, तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स दिस इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर आउटर फंक्शन साइन है, इसको आप यक्स की तरह ट्रीट करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, और ये फंक्शन कोई चेंज नहीं होगा, ये होगा केवल साइन का डिफरेंशिएशन, लाग यक्स अपने प्लेस पर बना रहेगा। तो साइन का डिफरेंशिएशन देखिए केवल हुआ कॉस, ये फंक्शन लाग यक्स बना रहेगा, फिर होगा इनटू। अब बचा क्या है, साइन का डिफरेंशिएशन आउटर फंक्शन का हो गया लाग का, तो ये हो जाएगा डी अपान डी एक्स ऑफ लाग यक्स, तो लाग यक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स, तो वन बाई एक्स हमें मिल जाएगा कॉस ऑफ लाग यक्स, ये इसकी डेरिवेटिव की वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर आप दूसरा सॉरी तीसरा और चौथी प्रॉब्लम को आप खुद से सॉल्व करेंगे। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं अपने डोमेन पर, तो इनका डोमेन आप देख डालेंगे कि व्हाट इज़ द डोमेन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पर जो रिजल्ट हमें मिलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखेंगे,
पहला रिजल्ट यहाँ पर है साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव की वैल्यू होती है दिस इज वन अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स में देखिए साइन इनवर्स का अंतर बस केवल यही है कि यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो साइन इनवर्स का डिफरेंस डेरिवेटिव की वैल्यू याद है तो कॉस इनवर्स बहुत आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड है डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू होती है वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर और कॉट इनवर्स में यही वैल्यू हो जाती है नेगेटिव, तो आप केवल टेन याद रखेंगे तो कॉट में बस नेगेटिव टाइम्स हो जाता है वैल्यू। और फिर सेक इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होती है इसकी वैल्यू होती है वन अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन और कोसेक इनवर्स में यही वैल्यू हो जाती है नेगेटिव। मतलब आपको बस तीन रिजल्ट याद रखना है साइन इनवर्स टैन इनवर्स एंड सेक इनवर्स, बाकी उसके जस्ट माइनस हो जा रहे हैं ऐसे समझ डालेंगे। अब आते हैं कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो स्टैंडर्ड हैं उनमें क्या सब्स्टिट्यूशन पुट करके आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले अगर कोई भी प्रॉब्लम में इस टाइप के टर्म गिवन दैट हो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें आप सब्स्टिट्यूशन पुट कर सकते हैं अंडर रूट हटाने के लिए एक्स इजक्ल टू ए साइन थीटा और एक्स इजक्ल टू ए कॉस थीटा। देखिए एक हम सॉल्व करके दिखा भी देते हैं, अगर हम पुट करेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स के प्लेस पर ए स्क्वायर एक्स के प्लेस पर पुट किया जाए ए साइन थीटा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट होगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा और अंडर रूट से ये वैल्यू हो जाएगी ए कॉस थीटा। देखिए इसकी वैल्यू बहुत आसानी से हमें मिल गई ए कॉस थीटा, तो ये सब्स्टिट्यूशन आपको याद रखना है। अगला जो सब्स्टिट्यूशन है अगर हमारे पास गिवन दैट हो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर तो यहाँ पर हम लोग पुट कर सकते हैं एक्स इजक्ल टू ए टेन थीटा आर एक्स इजक्ल टू ए कॉट थीटा, यहाँ से भी सॉल्व करेंगे तो बहुत सिंपल सा रिजल्ट मिलेगा। तीसरा हम लोगों के पास है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर अगर हम पुट कर दें एक्स इजक्ल टू ए सेक थीटा आर ए कोसेक थीटा तो ये बहुत ही आसानी से सॉल्व सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। फोर्थ रिजल्ट में आप पुट करेंगे एक्स इजक्ल टू ए कॉस थीटा आर एक्स इजक्ल टू ए कॉस थीटा ए कॉस टू थीटा तो ये भी ये चेंज हो जाएगा। ये सब्स्टिट्यूशन आपको याद रखने हैं और ये सब्स्टिट्यूशन हमें इंटीग्रेशन में भी ज़रूरत पड़ेगी, इन सब्स्टिट्यूशन को आप एक बार समझ डालेंगे और उसके बाद इसे आसानी से हम लोग अप्लाई करेंगे। आते हैं कुछ क्वेश्चन पर जिसमें ये सब्स्टिट्यूशन अप्लाई होते हैं। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर गिवन दैट है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करने के लिए कंपोजिट फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा जिसे साइन इनवर्स पहले सॉल्व करेंगे फिर न्यूमिनेटर अपान डिनोमिनेटर, तो डिफरेंशिएशन की वैल्यू बहुत बड़ी आएगी। तो हम यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूशन अगर पुट कर दें यर x इज इक्वल टू 2 टेन थीटा तो ये वैल्यू हमें मिल जाती है साइन इनवर्स 2 टैन थीटा अपान 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, तो ये हमें मिल जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, ये इसकी वैल्यू होती है तो हमें मिल जाएगा 2 थीटा। यहाँ से थीटा की वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी दिस इज थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई सॉरी यहाँ पर केवल पुट करना है एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, एक्स इजक्ल टू टेन थीटा पुट करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू मिल जाएगी दिस इज टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स जाएगी हो जाएगा टू टेन इनवर्स एक्स, डोमेन पे डिपेंड करता है कि इसकी वैल्यू क्या आती है। अब जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे अब देखिए इतनी बड़ी सी वैल्यू आसानी से चेंज हो गई वाई इजक्ल टू टू टेन इनवर्स एक्स में, तो अब इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा टू डी वाई अपान डी एक्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 अपान वन टेन स्क्वायर का टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये अगर दिया जाएगा तो इसका रिजल्ट डी वाई अपान डी एक्स क्या होता है 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए सब्स्टिट्यूशन से कितने आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही है और रिजल्ट किसके लिए वैल्यूड होगा फॉर x मॉड ऑफ x इज लेस देन 1 एंड मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन 1, mod of x इज इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है।
अब आते हैं इसी टाइप के दूसरे रिजल्ट को हम लोग देखते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ गिवन दैट है एफ ऑफ एक्स इजक्ल टू कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स इजक्ल टू टेन थीटा पुट करेंगे तो कॉस टू थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसकी वैल्यू आती है टू टेन इनवर्स एक्स, एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज लेस देन जीरो, दिस इज इक्वल टू माइनस टू टेन इनवर्स एक्स। ये डिपेंड करता है एक्स की कौन सी वैल्यू है कि प्लस आएगा कि माइनस वैल्यू। अब ये भी दिस इज नाइदर कॉन्टिन्यूस नॉट डिफ्रेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू प्लस वन एंड माइनस वन, अगर यहाँ पर हम प्लस वन पुट कर दें या माइनस वन पुट कर देंगे दिस इज नॉट डिफाइंड, ये ना ही इस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस है और ना ही डिफ्रेंशिएबल। तो एक्स मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन पे इसकी डेरिवेटिव की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, लेकिन अगर इसके मॉड ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू वन है तो इसकी वैल्यू हो जाती है टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। आप इसे चेक करके फिर से सॉल्व करेंगे तो इसके डेरिवेटिव की वैल्यू यही आएगी, ये बार बार प्रॉब्लम पूछी गई है। अब हम आते हैं अगले प्रॉब्लम पर जो इसी पर बेस्ड है, यहाँ पर देखिए थर्ड प्रॉब्लम गिवन दैट है वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर भी आप एक्स इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन पुट करेंगे टेन थीटा, ये बन जाएगा टेन टू थीटा, तो यहाँ से भी हमें जो डेरिवेटिव की वैल्यू ये भी ना ही कॉन्टिन्यूस है ना ही डिफरेंशिएबल है एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन पर, क्योंकि इसकी वैल्यू पुट करेंगे दिस विल बिकम नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज डज नॉट एग्जिस्ट, और यहाँ पर अगर मॉड ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वन देन द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन हो जा रहा है टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू भी आप याद रखेंगे। ये कुछ प्रॉब्लम थी, अभी इसमें एक पार्ट और बाकी है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन और इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, और वहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम भी आपको सॉल्व करने के लिए दी जाएगी।